स्टूडेंट्स अज की फिजिक्स की क्लास तुहाडा स्वागत है। अज आप देखांगे कि जो इदा के नैटवर्क ने इन दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किवें फाइंड करनी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच असीं करंट ड्रान बाय दी बैटरी फाइंड करनी है। जेकर इस सर्किट नूं ध्यान नाल देखिए तो इहदे विच 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिती गई है 0.5 ओम। तो सर्किट जो है साडा सर्किट एक ओम दे रेजिस्टेंस लगे हुए है इस कंबीनेशन दे विच एंड दिस कंबीनेशन एक्सटेंड्स अप टू इनफिनिटी, मतलब साढ़े कोल इनफाइनाइट कनैक्शन इदा के लगे हुए। तो इनू असी सिंपलीफाई किवें करना, बड़े ईजी तरीके इदा के क्वेश्चन नू हैंडल कर सकते हैं। तो सब तो पहला असी ये देखिए कि जिधर साड़ी बैटरी लगी हुई है इनू रीअरेंज करके देखिए, एक ओम की रेजिस्टेंस इत्थे लगी है, एक ओम रेजिस्टेंस साढ़े कोल इधर है, एक ओम रेजिस्टेंस साढ़े कोल इधर है, 12 वोल्ट 0.5 ओम की बैटरी है। ये अगे जिन्या भी रेजिस्टेंस लगिया हुई ने इन्हों सारियां असी मान लिया भी इन्हों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगी कैपीटल एक्स, भाव इथों लैके इधरला जिन्ना भी सर्किट आ वह सारी की रेजिस्टेंस मान लीए इनफिनिटी तक साड़ी कंप्लीटली एक्स आ रही है। तो हुण इहनूं सोल्व करके देखिए, आ वाली एक्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ते आ वाली एक ओम की रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल दे विच साडे कोल आउंदियां ने, तो इस करके इन्हां दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस असी 1/RP इक्वल टू 1/X प्लस 1/1। तो ये साडे कोल एलसीएम लैके आ जाएगा जी, 1+X इक्वल टू 1/RP। सो इत्थे ध्यान रखना है जदों असी रेजिस्टेंस इन पैरेलल नूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो रेजिस्टेंसिज आर एडेड बाय रेसीप्रोकेटिंग दैम। पैरलर रेजिस्टेंस साढ़े को आ गई 1/X। सो इहदा मतलब यह होया भी साढ़े कोल इत्थे तक का जो सर्किट है इहदी रेजिस्टेंस आ गई 1/X। हुण इह कंबीनेशन की बनया, इहनूं असीं क्लॉकवाइज रोटेट करके बनाइए तो यह साढ़े को सर्किट बनता है। आ दोनों पॉइंट मैं इत्थे बना ले जी, एक ओम की रेजिस्टेंस इधर आ, एक ओम की रेजिस्टेंस इधर आ, तो इत्थे साड़ी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो असी हुण कढ़ी आ पैरेलल की रेजिस्टेंस आर पी इक्वल्स 1/X इत्थे लगी आ, ये साड़ी बैटरी लगी आ जिहड़ी बैटरी आ 12 वोल्ट की आ ते दी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। ओके, हुण ये साढ़े तिने रेजिस्टेंस सीरीज़ दे विच हो गए, इहदा मतलब इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आर सीरीज़ होएगी वह किहदे बराबर होएगी, 1 ओम + X/1+X+1 ओम, तिना की एडिशन। सो ये किहदे बराबर आ गई जी, 2+X/1+X। हुण जिहड़ी सीरीज़ की रेजिस्टेंस आ ये आ वाली जो रेजिस्टेंस आ पैरेलल की रेजिस्टेंस यह इनफाइनाइट रजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इहदे विच जेकर असी 2 ओम की रेजिस्टेंस ऐड करिए साड़ी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के उत्ते कोई खास फर्क नहीं पैण लग्या। भावें कह लिए भी जेकर आपां 1 करोड़ रुपये दे विच 1 रुपया होर ऐड कर लिए तो उस 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है एज़ कंपेयर टू 1 करोड़। सो इहदा मतलब जिहड़ी आर एस है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वह साड़ी एक्स के बराबर ही होएगी क्योंकि असी आह एक्स मन्नी। हुण असी इहनूं सोल्व कर लिए, इधरले पासे असी इहदा एलसीएम लै लिए, 1+X एलसीएम आ गया, 2 नाल गुणा करांगे +X, सो इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए की आता है, X+X² इक्वल टू 2+2X+X।
लो जी हुण इहनू क्वाड्रैटिक दी शेप दे विच लिखिए एक्स स्केयर प्लस आ वाली एक्स इधरले पास्यों मैं एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स इधर लै आना माइनस थ्री एक्स आ दो नू भी इधर लै आना माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। सो इन सॉल्व करिए अगे एक्स स्केयर प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स ये रह जाएगा साढ़े को माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो साड़ी यह एक क्वाड्रैटिक इक्वेशन बन गई जिहड़ी सानू एक्स की वैल्यू दूगी। सो इस क्वाड्रैटिक एक्स नू क्वाड्रैटिक इक्वेशन इन एक्स नू सॉल्व करिए। सो इत्थे असी करदे आं एक्स की वैल्यू होएगी माइनस बी, माइनस बी मतलब टू प्लस माइनस बी स्केयर, बी स्केयर साडा माइनस टू स्केयर चार आ जाएगा माइनस फोर ए सी, फोर ए साडे कोले वन आ सी साडे कोले माइनस टू आ सो इट विल बी प्लस एट अंडर द रूट अपॉन टू ए। सो ए साडे कोले वन है इस करके अपॉन टू आ गया। हुण असीं इहदी वैल्यू लिखिए टू प्लस माइनस अठ ते चार बारह, बारह का अंडर रूट डिवाइडेड बाय टू। सो इहनू अगे सॉल्व करिए टू प्लस माइनस बारह का अंडर रूट जो है इहनू असीं खोल के लिख सकते हैं तीन गुणा दो बटे दो। सो इक्वल टू टू प्लस माइनस इतों साढ़े को आ गया जी टू अंडर रूट थ्री अपॉन टू। सो साढ़े को दो रूट आएंगे वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, असी दो ते डिवाइड करता इतों वन आ गया इतों साढ़े को अंडर रूट थ्री आ गया। सो एक्स दियाँ वैल्यू साढ़े को आ गई जन प्लस अंडर रूट थ्री जां वन माइनस अंडर रूट थ्री। हुण जेकर इहदी वैल्यू पुट करके देखिए तो वन प्लस वन पॉइंट सैवन थ्री टू ये तो पॉजिटिव आ जाएगा टू पॉइंट सैवन थ्री टू। दूसरी वैल्यू है जिहड़ी वह कि आएगी वन माइनस वन पॉइंट सैवन थ्री टू ये नैगेटिव चांसर आएगा। तो इस करके इहनू असीं लीव कर देंगे क्योंकि वन पॉइंट सैवन थ्री टू साडी वड्डी रकम आ। सो साडे कोल रूट किन्ना रह गया जी एक्स की वैल्यू टू पॉइंट सैवन थ्री टू। सो इहदा मतलब साढ़े को सारे सर्कट की जो रेजिस्टेंस है वह कि आ गई टू पॉइंट सैवन थ्री टू। सिंपलीफाई करके बना लीए एक पॉइंट सीगा दूसरा सी ते टोटल जो साड़ी रेजिस्टेंस लगी हुई आ गई वह आ गई एक्स इक्वल टू टू पॉइंट सैवन थ्री टू। हुण पोटेंशियल साढ़े को है बारह वोल्ट का, इंटरनल रजिस्टेंस अजे साड़ी लगी हुई है इट इज़ जीरो पॉइंट फाइव ओम। करंट की असी वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन वाज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। सो हुण टोटल रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस किहदे बराबर आ गई टू पॉइंट सैवन थ्री टू तो साड़ी कनैक्टड लोड आ गया सारा प्लस इंटरनल रजिस्टेंस जीरो पॉइंट फाइव। सो इट विल बी इक्वल टू टू थ्री टू थ्री। सो थ्री पॉइंट टू थ्री टू ओम साड़ी टोटल रजिस्टेंस आ गई। पोटेंशियल साढ़े को दिता हुआ जी बारह वोल्ट। सो करंट असी कढ सकते हैं ओमज ला दी हेल्प दे नाल बारह बटे थ्री पॉइंट टू थ्री टू। सो ये जिन्ना भी रिजल्ट साढ़े को आएगा इट विल बी इन एम्पीयर्स। तो इदा तुसी इनू सॉल्व करके कर सकते हो। हुण असी आने इस क्वेश्चन के उत्ते, यह क्वेश्चन भी सानू देखण इदा के क्वेश्चन तो पहला डर लगता भी ये पता नहीं किदा का क्वेश्चन आ, पर यह बड़ा ही सौखा किवें करिए देखो बड़ा ईजी क्वेश्चन आ। तो जो तुम देखोगे कि यह इन्नी जल्दी ही सॉल्व हो गया तो तुम कहोगे तो गल ही कुछ नहीं सी। देखो जी ये जेकर असी ध्यान देखिए वन ओम टू ओम तो टू ओम इस तरह अगे वन वन टू टू वन वन टू टू वन वन टू टू। इहदा मतलब साढ़े को एक अरेंजमेंट है जिहड़ी के चार वेरी रिपीट हुई है। ध्यान नाल देखिए
आ वाली जो अरेंजमेंट है इनू असी चार वारी रिपीट कर लिया। सो असी एक दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करांगे, उहनू असांगे चार दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे तां साडी टोटल इहदी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। हुण इहनू सिंपलीफाई करके बना लईए, उपरले पासे साडे कोल दो रेजिस्टेंस लगियां होईयां ने एक एक ओम दीआं, नीचे निचले पासे दो रेजिस्टेंस लगियां होईयां दो दो ओम दीआं। ਉਹ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 2 ਓਮ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ 2 ਓਮ ਸਾਡੀ, ਸੌਰੀ 2 ਤੇ 2 4 ਓਮ ਸਾਡੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਓਮ ਤੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰਿਐਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ 1/r ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ 1/2 + 1/4, ਸੋ ਪਿੱਟੇ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਲਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ 2 + 1, ਸੋ 3/4। ਤੋਂ r ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਆ ਗਈ 4/3 ਓਮ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜੋ ਰਿਐਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, 4 × 4/3 ohm। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16/3 ohm। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਿਐਸਟੈਂਸ ਕਰ ਲਈ ਆ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਿਮੈਟਰੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।